ए पिंगला भाभी एक बार बोल कौन तेरी। हाँ। सेज पे चढ़ा एर खाम खा का विक्रम तेरे बहम सा बड़ा। पिंगला भाभी एक बार बोल कौन तेरी। ये बात नहीं है ना बैठो। इन्होंने तो शेर निकले रखा है। अच्छा हाँ। तो तन्ने क्या की ली फिर? नहीं मैंने तो कुछ नहीं ली। अच्छा कुछ भी नहीं ली? नहीं नहीं, नहीं। मुझे लगता है कि तू पी का आया है। नहीं भाभी, तभी ऐसी बातें कर रहा है क्योंकि भाभी से ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं क्या? अरे भाभी मैं गंदी गंदी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। नहीं भाभी, माँ सम्मान होती है और कोई बेटा अपनी माँ से ऐसी बात नहीं करता जिस बदतमीजी से तू बात कर रहा है। लेकिन माँ और भाभी जब गलत कार्य करते हैं तो बच्चा क्या करेगा इसमें? मत बांधे विक्रम पाला ना कर करते हैं। और दादा पंचायत में बैठने वाले आदमी हैं, अगर ये कह देंगे कि पिंगला गलत है तो गलत है, अगर ये कह दिए कि पिंगला सही है तो सही है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब तू झूठ बोल रहा है? अरे रहने दे भाभी, रहने के दे, फिर सच्ची बोलन लग रही। मैंने तो बहुत खेचतानी भी देखी तारी। क्या देखी? के देखी? खेचतानी। खेचतानी देखी तने? हाँ। कैसे अपनी बात खोल दियो।
भी उसके साथ में था। यो मन लगा तुड़वा का आयो है। हमारे रामपाल जी जिन्होंने पहले ही कई हजार पे सम्मान आशीर्वाद दिया, फिर से सौ रुपए सम्मान करते हैं भाई के लिए, बार बार करते हैं। और ईश्वर हवलदार जी जिन्होंने कई हजार से पहले सम्मान किया, फिर से हवलदार साहब सौ रुपए सम्मान करते हैं। अरे लाल दुपट्टा, ओ लाल दुपट्टा उठ गया फिर हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, मेरी बात सुन, फिर भी कर मरियो
ते सज के हे चली गुजरिया राम वाहे गुजरिया मेरे शोभा बनकर बताए हैं हमारे मनोज कान्हा जी, अशोक जी हैं, उनका फार्म है, मैं पूरा ब्यौरा तो नहीं मिल पाया। 100 रुपए ये साजों की पूजा कराई है, साजों में देवताओं का वास है और शुभ कार्य में ये आहुतियां आपके भावों की और आपके प्यार की आहुतियां। एक बार फिर खराना परिवार की तरफ से आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आइए किस प्रकार से वो बाल लीला कैसे चलती आगे। चंद्रहास खटाना साहब, चंद्रहास खटाना साहब भी 100 रुपए का अनमोल प्यार इन कलाकारों को आशीर्वादित करते हैं, क्योंकि श्रोता हमारे लिए पूजा के समान होते हैं, देव स्वरूप होते हैं और भगवान के जो भजन है उनमें अपने भाव अपनी आहुति अर्पित करते हैं। रताश जी के लिए, आप सभी के लिए धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कैसे कलम चली मटकी तो फोड़ी
नायब सूबेदार साहब हरपुल सिंह जी। भाई गांव की थोड़े साउंड कम कर लिया करो, जब देखो हमारे बहुत आदमी श्रोता है। धन सबसे प्यारा रह गया रिश्तों में, कलयुग में धनी प्यारा, इस धन के ऊपर माँ बाप को मार देते हैं कई बच्चे। तो ये बहुत अनमोल प्यार है हमारे लिए, 151 रुपए का पुरस्कार इस शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में वो आए हैं आशीर्वाद देने के लिए इस नव दंपति को, इस परिवार के सहयोग के लिए। उनके भावों को हम नमन करते हैं, 151 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे भी दिया है 20 रुपए का, 20 ही तारीख है, 20 से राम का ना होता है सबसे बड़ा होता है, और वो ठुमका भी लगा दिया कई हजार रुपए का। ये खुशी का इजहार होता है, करनी चाहिए तभी भगवान आपको खुशी देगा। इस खुशी में सम्मिलित हुए, पुरस्कार दिया, धन्यवाद। ये आत्मा और परमात्मा एक लव स्टोरी, जो आजकल के नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं वो शुरू कर रहे हैं लव स्टोरी, गलत दिशा में जा रही है पटड़ी उनकी, ना गोद देख रहे ना गांव देख रहे, ऐसे ही अड़क बिछड़ मर रही। ये आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, यहां से प्यार शुरू हुआ है। प्यार तो बाप बेटे का भी होता है, माँ बेटी का भी होता है। बहुआ होगी सासू को माँ बनाओगी, ससुरे को पिताजी बनाओगी, बड़ा रोल होता है बेटी का। यहां से लव स्टोरी शुरू हुई, आत्मा परमात्मा को चाहती है, कैसे चाहत को ही प्यार कहते हैं। हो 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 परदेसिया भूल न जा
गुजरिया मेरे मने बसी। बोलिए बांसुरी वाले की।